ये कौन सी बात हो गई यार? हाँ, तूने कह दिया कि एक साथ शादी करेंगे तो क्या आगे पीछे नहीं हो सकती? इतनी छोटी सी बात पे तो अपना रिश्ता तोड़ रहा है। देख, मैं अंजलि को समझा दूंगा। शादी उसी दिन होगी जिस दिन की तारीख पक्की है। तू चल मेरे साथ। मैं अंजलि के साथ शादी नहीं करूंगा बस। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने जो मुझसे आज कहा है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। चुपती है वो बात, पर जो कुछ भी उसने कहा है वो सच ही तो था। मेरी कोई अपनी पहचान ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है करण, सच कह रहा हूँ। मेरी नौकरी तुम्हारी दी गई, घर तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी दी गई भीख, मेरा अपना कुछ क्या है? देख, ऐसी बातें मत कर। हम दोनों में फर्क ही क्या है? हम कहाँ अलग हैं? जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तो अपने पास ही रख। मुझे अपने खुद की पहचान बनानी है और वो तभी पॉसिबल है जब मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा। तू मुझसे दूर जाना चाहता है? इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। हमारी मंजिल एक है और रास्ता भी, और उसी रास्ते पर मैं कहीं गुम हो गया हूँ। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ लोग मुझे मेरे नाम से जाने। मैं अपनी पहचान खुद ढूंढना चाहता हूँ। राज देख, तुझे अपनी पहचान ढूंढनी है ना, तो ढूंढ, लेकिन वो तो मेरे साथ हैकर भी कर सकता है। नहीं, तेरे साथ रहूंगा तो तेरी परछाई बनकर ही रह जाऊंगा और वो मैं बनना नहीं चाहता। मत जा तू मुझसे मेरे दोस्त, मैं जी नहीं पाऊंगा। और अगर मैं तेरे साथ रहूंगा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। अब तो घुटन सी होने लगी है मुझे। क्या इतने साल साथ रहने के बाद आज तुझे घुटन होने लगी है? मैं जानता हूं तेरे बहुत एहसान है मुझ पर जो मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। तूने अब तक मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन अब मुझे तेरे साथ की जरूरत नहीं है। जरूरत? तू इतने साल मेरे साथ इसलिए रहा क्योंकि तुझे मेरी जरूरत थी। अब तू समझ गया ना, तो जाने दे मुझे। कुछ याद नहीं रखना, भूल जाना चाहता हूं सब कुछ। करण, सब कुछ भूल जाना चाहता हूं मैं। अपनी दोस्ती भी? हाँ, अपनी दोस्ती भी।